इससे पहले कि हम व्लॉगिंग स्टार्ट करें, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तरुण भाई लोग आज भी सोए हैं, थक चुके हैं। तरुण भाई तो ड्राइविंग कर रहे थे, यहाँ पे हमारे फ्रेडी भाई हैं जो कि अभी सोए हुए हैं, और इधर की तरफ है तरुण भाई। तरुण भाई को नहीं दिखाऊंगा, तरुण भाई ने बहुत मेहनत की है, हमें रात भर ड्राइव करके लाए हैं, और ट्राइपॉड अपने नीचे हो चुका है। कितने 12:30 के करीब पे हम पहुँच गए थे, 12:30 पहुँच गए थे ना जो 12:30 ठीक हो गया। तो एक काम करते हैं, आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं सबसे पहले। तो मुंशहरी में हो चुका है सनराइज़, और आप लोगों ने टाइम लैप्स देखा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा, सीन क्या है, सबसे पहले आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, जो हमारे पंचतुली पीक वगैरह हैं और इधर की तरफ राजगम्भ है। अभी बेसिकली क्या है कि पूरे एरिया में बर्फ़ पड़ रखी है। तो लास्ट टाइम मैं आया था तब इसमें मुझे बर्फ़ दिखाई नहीं देती, ऊपर की जो पीक्स हैं उसमें दिखाई देती, बाकी जो नीचे का सेक्शन था वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। ब्लैक का मतलब है उसमें बर्फ़ नहीं पड़ी थी। इस बार सारी की सारी पीक्स जो है ढकी हुई हैं बर्फ़ से। और सुनने में ये भी आया है कि जो खलिया टॉप वाला एरिया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो देखते हैं कि ट्रैकिंग पॉसिबल हो पाती है नहीं, वैसे देखते हैं, कोशिश तो पूरी करेंगे। मेरे ख्याल से समय ज़्यादा लग जाएगा भले ही, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। एंड अभी का सीन है कि सब मेरे ख्याल से फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, नहाने वाले हैं, गर्म पानी से नहाएंगे सब लोग हमारे ख़तरनाक। एंड उसके बाद फिर हम निकल पड़ेंगे खलिया ट्रैक के लिए, देखते हैं क्या सीन रहता है। एंड फिर घर और नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वोटू डॉग भी है, आपको उससे मिला देता हूँ। ये देखो, ये है वोटू डॉग, बड़ा प्यारा सा है ये। मिलते हैं आप लोगों से। ओ बाबा मैं भी हूँ, कहा किसी ने। वो देखो, अगर आपको वाइड एंगल में दिखाई दे रहे हैं, वो रितेश भाई देखो ब्रश कर रहे हैं आप। ये क्या बढ़िया नज़ारा है, ये देखो। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ हमारा रूम कैसा था या कैसा है ऊपर की तरफ। ये जो है गैलरी है, अभी मैं जिससे जा रहा हूँ, रूम्स ही रूम्स हैं। आजकल के ऑफ सीज़न है तो रूम्स इंगेज नहीं है अभी। रूम मतलब बेसिकली हमें सस्ते में मिल गए। ये वाला रूम है जो ये बंदे से लोग हैं, और ये वाला जो बगल में रूम दिख रहा है ये वाला हमारा है। अंदर ऐसे ही चलता हूँ। ये देखो, ये है हमारे नितेश भाई। हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते वीडियो में, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये देखो नज़ारा देख रहे हैं, मतलब जब लाइट जो है ना आपकी आर्टिफिशियल लाइट फीकी पड़ जाए सनलाइट के सामने वाला मोमेंट है। फिलहाल हमें लाइट बंद कर देते हैं फिलहाल तो। ओ एक लाइट रह गई, वो मेरे ख्याल से उसका स्विच है यहाँ पे। ठीक, ये भी बंद हो गई। अब देखो आप नज़ारा, मतलब कि सनलाइट आ रही है यहाँ से बढ़िया सी, और जैसे ही इस गेट से बाहर निकलते हैं आपको रितेश भाई देखने को मिलते हैं, और सामने नज़ारा ये देखो। आपको जो वाला एरिया दिख रहा है वो है छिपला केदार, वहाँ जहाँ से सनराइज़ हो रहा है, ऐसे करके सनराइज़। फिर जैसे ही आप लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो आपको दिखाई देगा पंचाचोली 1, 2, 3, 4, 5। इधर से आप लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये राजरंबा वाला एरिया है, इधर भी बर्फ़ पड़ी है, इसमें सभी पीक्स में बर्फ़ पड़ी है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। और खलिया टॉप का ट्रैक स्टार्ट करना है थोड़ी देर में। रितेश भाई बात आता है मैं। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऐसे दांत दिखाओ मैं। ठीक है, ये हमारे रितेश भाई, आपसे जल्दी मुलाकात होगी थोड़ी देर में व्लॉग में, और मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा, टाइम हो चुका है अराउंड 9:50, और हम ऑलमोस्ट निकलने वाले हैं। प्रॉपर सन अभी रेज आ चुकी है, सन रेज। अरे वाह, वहाँ पे बर्ड्स भी फ्लाई कर रही हैं, जो बर्ड्स का फ्लॉक है उधर की तरफ। और ये है पंचाचोली का व्यू। इधर कुछ अभी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं तरुण भाई, छोटी छोटी कुछ क्लिप्स। ये हमारे तरुण भाई अर्ली मॉर्निंग में एकदम। और ये है हमारे रितेश भाई, देखो ये पॉपी देखो, बर्डी वर्जन 3 कितना प्यारा लग रहा है, इसको नींद आ रही है मेरे ख्याल से अब इसको। चलिए, तो सीन ऐसा है कि अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, आई गेस अराउंड 10 मिनट बाद, उम्मीद तो ऐसी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आलू के वो है ना।
तीनों का आलू के ना आलू प्याज के हो जाएंगे अंकल क्या मतलब आलू प्याज मिक्स करेंगे हां आलू प्याज मिक्स किया तो सुबह सुबह हमें क्योंकि खलिया टॉप का ट्रैक करना था तो हमने आलू के पराठे खाए और चाय पी थोड़ी एनर्जी आई बढ़िया तरीके से और फिर हम निकल पड़े अपने खलिया टॉप के ट्रैक पर। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं खलिया टॉप की ओर बेसिकली खलिया द्वार की ओर। रास्ते में बर्फ है पाला भी है और रोड हो रही है फिसलन भरी। पीछे से आ रहे हैं हमारे ये फकसर लोग। आपको उम्मीद है दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से कि छोटी गाड़ी एंगल चेंज करके दिखा दो और ये हो रहा है तो आलू के पराठे खा रही है और फुल एनर्जी है जो कभी आइए खलिया टॉप अच्छा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा खलिया द्वार। आई गेस ये सुपर वाइड व्यू है तो आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं और उसी के सामने इधर पे है पंचाचुली पीक्स हिमालय रेंज जो है पंचाचुली पीक्स की। तरुण भाई लोग वो सामने खड़े हैं गाड़ी पार्क कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे पार्किंग फुल हो चुकी है ऑलमोस्ट ऐसा वाला सीन है। जो चलते हैं थोड़ी देर में खलिया द्वार के अंदर। ओके 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 सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी। हम बस थोड़ी देर में जाने वाले हैं और बैग पैक हो चुका है। बैग का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दो ड्रोन है, एक है DJI Mavic Air और एक है DJI Mavic Air 2। तो हम बैकअप लेके चल रहे हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान भी है, फिल्टर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, जैकेट हो गई, एक पैंट होगी एक्स्ट्रा, तो ऐसा कुछ सीन है। तो बस निकलने वाले हैं और फ्रेडी साहब फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। क्या तो फ्रेडी ने मेरी भी फ़ोटो ली हो कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हो कोई बात नहीं, ये मत पहनो, बूट मत पहनो ट्रैक में भैया, बूट गंदे हो जाएंगे। हां बाबा भाई पहनो ब्लैक भाई पहनना। अरे ये मेरे साथ आएगा ना ट्रैक, कोई बात नहीं ब्लैक रख लिए। ओ ठंडा, ओ देख रहे हो पूरा बर्फ का गोला मार रहा है, ठंडा हो चुका है। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन प्यार है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ओह थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यस आओ हाफ पे पकड़ना है। चले सर खलिया टॉप की ओर, पहले टिकट टिकट कटा लेते हैं फिर चलते हैं। कीचड़ कीचड़ हो रहा है, कोई बात नहीं तो चलता है। नाम बता दीजिए प्लीज। अमित। अमित अच्छा सीन क्या है कि अभी जो ऊपर की तरफ बर्फ है वो बहुत ज़्यादा है तो अभी सभी क्या बोलते हैं जो बूट्स ले हैं, ये है हमारे तरुण भाई। तरुण भाई ने बूट्स पहन लिए, फ्रेडी को बूट्स मिल चुके हैं, अब फ्रेडी एंड यहाँ पे रितेश भाई ट्राई कर रहे हैं, मैडम ने पहन लिए बूट्स और पंकज। फाइनली अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जो खलिया टॉप का ट्रैक है ना। तो अभी क्या सीन है कि बस सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, टिकट हमने वहाँ से कटा लिया है, जो आपके हाइकिंग के लिए शूज़ थे जो बूट थे वो ले लिए हैं एंड ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया है, बस थोड़ा सा समय लग रहा है। और ये देखो आप लोग बर्फ़ देखो, तब तक एक काम करो, ये देख रहे हो बर्फ़ ही बर्फ़ सामने उधर पंचाचोली पीक्स हो गई, ऊपर के पहाड़ में भी बर्फ़ और रेडी कैमरे के साथ रेडी एंड तरुण भाई वहाँ पे खड़े हैं, बाकी सब उधर ही खड़े हैं, गाड़ी हमने उधर लगा दी है। बस चलते हैं थोड़ी देर में, आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, आप थोड़े शॉट दिखाते हैं बीच में ट्रैकिंग के, आनंद लीजिए आप लोग वीडियो का। बर्फ का टेक्सचर देखो यार तुम, हालांकि नैनीताल में बचपन से बर्फ देखी है पर जितने बार भी देखो ना ये एक्सपीरियंस नया जैसा ही लगता है, सही बताऊँ। ये हमारे तरुण भाई सामने, फ्रेडी और बाकी की टीम आ चुकी है, नीचे से आ रही है। अब जब हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो पता है क्या, दो साउंड आने वाली है केवल, एक तो जो पैरों से हम चल रहे हैं जब तो जो बर्फ़ के ऊपर पैर रखने चर चर करके वाली, और एक जब आगे चलकर थोड़ी सांस फूलने लग जाएगी चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते एक वाली। बाकी मौसम बहुत प्यारा है, जो ब्रांच के पेड़ हैं अलग अलग टाइप के वो दिख रहे हैं और पता चल रहा है कि इसमें जो वैरायटी ऑफ ब्रांच है वो आती होगी गर्मियों के टाइम पे,
क्या मजा आता होगा। अच्छा हमें अभी क्या सीन है ना, एक वो भी मिल चुका है, डॉग भी मिल चुका है प्यारा सा। ये मेरे ख्याल से हमारे तक ऊपर ही आएगा मुझे लग रहा है। तरुण भाई क्या है? हाँ तरुण भाई बताओ। ओके अभी क्या है कि मैं ही मॉडल हूँ तरुण भाई के लिए फिलहाल। तरुण भाई क्या बढ़िया आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा तो अभी हम पहुंच चुके हैं अराउंड कितना 2 किलोमीटर आगे लगभग नीचे से शायद, और जो नज़ारा है बहुत ही प्यारा है। ये जो ट्रैक है ना, इसमें चलने का मज़ा अलग है। बर्फ़ में हालांकि एफर्ट जो है वो दोगुना अप्लाई हो जाता है, जब बर्फ़ नहीं रहती तो सीधा रास्ता दिखता है, बट अभी जो रोमांच है इस रास्ते में चलने का वो एक अलग लेवल का है। ये देख रहे हो आप ये बर्फ़। अच्छा आपको दिखाता हूँ एक बार, देखना ये मेरे पाँव। अभी देखो कितने अंदर गए, ये देखो मतलब घुटना पूरा चले गया है ये इतना। ये देखो देख रहे हो बर्फ़ कितनी है, पूरा गहरा गड्ढा हो चुका है अंदर। ये फ्रेडी लोग सामने से बैठे हैं, और अभी आप नोटिस करेंगे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा सामान है मेरे पास। ये एक लाइट है, और इसके अलावा जो है मेरे पास वो आप देख रहे होंगे मेरे पास एक छोटा सा बैग और है। तो ऐसा कुछ सीन है क्योंकि ऊपर चढ़ते जाए जो एक एक किलो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ा देख के मतलब वेट कैरी करना पड़ता है। ऐसा कुछ सीन है, और मजे लेने ट्रैक के बढ़िया लग रहा है, अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस। चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, बीच में शॉट भी लेने हैं तो कभी रुक भी रहे हैं फिलहाल, वापस से ट्रैकिंग वाले रूट में, और मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे ठंडा ही बढ़ने लगा है, और जहाँ पे शेडो वाला एरिया छाया वाला एरिया है वहाँ ठंडा बढ़ रहा है। DRH ऑलमोस्ट आने वाला है, एंड यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हो आप पूरा वाइट हो रखा है, आने का रास्ता भी नहीं है। नीचे एटलीस्ट पता चल रहा था कि थोड़ा रास्ता ऐसे करके आ रहा है। सामने पंचाचोली पीक्स, हिमालय का नज़ारा क्या बढ़िया लग रहा है। नीचे से आ रहे हैं तरुण भाई लोग, एंड मज़ा आ रहा है। आप देख रहे हो बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ ही देखो। 360 एक्सीलेंट। ऑलमोस्ट DRH पहुंचने वाले हैं, पंचाचोली पीक्स के थोड़े पास में बादल हैं थोड़े से, एंड मजा आ रहा है बर्फ में चलने में। ठंडा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, आई गेस माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा थोड़ी देर में, बट चलते रहते हैं चलते रहते हैं।
वो देखो आगे तरुण भाई चलने में लगे हैं। डेडिकेशन लेवल देख रहे हो, बहुत बढ़िया तरुण भाई, मज़ा आ गया है सच बताऊँ। क्या बात है तरुण भाई, अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो ना तो सीरियसली अमेजिंग तरुण भाई, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन लेवल ना कमाल का है यार, मानना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग, हम बेसिकली प्री वेडिंग करने आए हैं, इतना सारा सामान लेके ऊपर खलिया टॉप पे, एंड जो चढ़ाई है पूरी बर्थ है इस चीज़ के लिए, शॉर्ट चाहिए बढ़िया से, देखते हैं क्या होता है, प्रोग्राम साथ देगा उम्मीद है। एंड ये देखो तरुण भाई को चलने में लगे हैं, नीचे से फ्रेडी लो, सामने हिमालयास, वाह। एंड फाइनली TRH, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, आ गया तरुण भाई आ गया। तो अभी क्या है कि अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि नीचे मैंने टेंट्स के लिए बात की थी तो पहले मेरे को आगे जाना पड़ेगा। आ गया मैं, वैसे वो कह रहे थे वो बुक्ड है। हाँ सॉरी सर, एक पूछना था, एक भी हो जाएगा। हाँ आराम से आना है। TRH, यहीं पर हम रुकने वाले हैं आज। सामने है आपका पंचचुली पीक्स और मून भी दिख रहा है, बढ़िया नज़ारा, फ्रेडी भी आ गया है एंड पंकज सर लोग भी आ गए, बस अभी बात करते हैं ट्रेंड्स के लिए। पहले बद्रीनाथ फिर केदारनाथ, हाँ सबसे पहले आता है आदि बद्री फिर बद्री फिर वहीं आदि। अच्छा जाड़ा बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है, -1 टेम्परेचर जा रहा है, धीरे धीरे सनसेट होने वाला है, रोशनी वहाँ तक पहुँच गई है पीक के नीचे तक। एंड सीन क्या है, जो हमारे कपल है पंकज सर एंड मैम, वो है रूम में रह रहे हैं बट हमारे लिए रूम्स अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सीन क्या है कि पहले से ही रूम्स यहाँ बुक थे तो ऐसा सीन था। एंड अभी सीन क्या है कि हम लोग जो बेसिकली हैं टेंट्स में रहेंगे, तो मज़ा आने वाला है टेंट्स में भी, देखते हैं क्या सीन होता है। तब तक हम टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि GoPro में चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है बार बार, क्योंकि क्या है कि सीन बैटरी जल्दी ड्रेन होती है जब ठंडा होता है। तो प्लान ऐसा था कि पहले जो है हम टेंट्स लगाने वाले थे बाहर, फिर उसके बाद प्लान चेंज हुआ कि हम लगाएंगे डाइनिंग हॉल में, और अत्यधिक ठंड होने के कारण, अत्यधिक का मतलब समझ रहा हूँ -14 -15 टेम्परेचर होने के कारण, हमें जो टेंट्स लगाना था वो हमने नहीं लगाया, बल्कि हम जो है रूम के अंदर ही स्लीपिंग बैग्स वगैरह लेके सो गए थे, जो मैट्रेस वगैरह थी डबल ट्रिपल लेयर, तो ऐसा कुछ सीन था और ठंडा बहुत ज़्यादा था। पर जो भी था, जो ट्रैक था उसके बाद सभी एग्जॉस्टेड थे, सभी थक गए थे टायर्ड एकदम, और उसके बाद सबने रेस्ट किया। और सही बताऊँ तो रात को मैं तो नज़ारे देखता रहा और काफ़ी बढ़िया दिन बीता, और अगला दिन भी काफ़ी अच्छा था। अगला व्लॉग भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।